जाओ यहाँ से, हम बेहतर परफॉर्म करते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 ओह, कितना बेकार है। लड़कियों चलो उन्हें दिखाते हैं, हमारा डांस कूल है। हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हो ही नहीं सकता, मिटा दो। उन्हें जल्दी अलग करना होगा। तुमने उसे पटा लिया, अब एडम तुम्हारा है। लड़कियों तुम कहाँ जा रही हो, हमें प्रैक्टिस करनी है। जैक हमारी प्राइमा अभी आनी है, हम उसके बिना शुरू नहीं करेंगे। बस काश मैं एक बास्केटबॉल खिलाड़ी होता। प्राइमा यहाँ है, चलो प्रैक्टिस करें जल्दी। तुम इतनी गुस्सा क्यों हो, डैडी ने तुम्हें पैसे नहीं दिए। चुप रहो, प्रैक्टिस करते हैं चलो। 1 2 3 4 हाँ, सब लोग ध्यान से सुनो। और ये कौन है? मैं तुम्हारी नई कोच हूँ, मैं केवल 15 साल की हूँ, लेकिन मैं तुम सबसे पहले के बारे में ज्यादा जानती हूँ, समझे? अब चलो प्रैक्टिस करते हैं अभी। ओह, कितना भयानक, हमारे पास एक पागल कोच है। ये क्या है, ये सब क्या पहनकर आए हो तुम? सैक, तुम इस तरह अपने सीने को कैसे छिपा सकते हो? अब चलो सब जल्दी प्रैक्टिस करो। अब बस मेरा हो गया, मैं अब बैले छोड़ रहा हूँ। उसे किसने कोच बनाया? वो नाबालिग है। और हमारी टीम है सबसे शानदार, हमारी लड़की जानदार। अरे मैं नहीं कर सकती। ये कब तक चलेगा, तुम हमेशा गड़बड़ कर रही हो। पीछे हटो, ये मेरी गलती नहीं है। तुम रुक क्यों गए? किटी की वजह से, वो हमेशा हमारा परफॉर्मेंस खराब करती है। कल हमारा इम्पोर्टेंट मैच है और तुम बंदरों की तरह कर रही हो। अरे वो 15 साल की है और वो हमारी कोच है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह प्रैक्टिस करते हैं, हमारी टीम है सबसे शानदार। अब समझ में आया वो पिछड़ क्यों रही है, कोई चीज हमेशा उसके सर में लग रही है। वाओ लड़कों, तुम बहुत कूल हो। हाँ हम हैं। हम चलते हैं, कल हमारा एक इम्पोर्टेंट मैच है। लड़को क्या तुम नहीं चाहते कि हम ब्रेक के दौरान परफॉर्म करें बैले नंबर के साथ? क्या बोला? अगर एक शब्द भी फालतू बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ठीक है, हम जा रहे हैं, प्रैक्टिस करनी है। सुन बेवकूफ लड़की, अगर मैंने तुम्हें फिर से हमारे लड़कों के पास देखा तो तुम बहुत पछताओगी, समझी? मुझे छोड़ो, मेरे पीछे आओ लड़कियों। कितना बकवास, चिंता मत करो, हम उन्हें दिखा देंगे और हम वार्म अप करके बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लिए डांस करेंगे। टायलर टायलर, फील करो फील करो। अबे यार तेरी आंखें हैं कि गोटियां? चल गला। दोस्तों मैं भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। माफ कर भाई। मैं भी बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता हूँ, मैंने बेले छोड़ दिया है। क्या तुम सीरियस हो, तुम कैसे प्लेयर बनोगे यार? तू तो गधे के बच्चे बॉल भी नहीं पकड़ सकता। मैं तो होता है ना, लाइफ इतनी बुरी क्यों है? वो बेले वाला प्लेयर बनेगा। अरे सुनो सुनो, एडम बीमार है। अरे नहीं यार, फिर हम कल का मैच कैसे खेलेंगे? नया खिलाड़ी चाहिए होगा। वो हमें मिलेगा क्या योदा? ये रहा नया बास्केटबॉल खिलाड़ी। लड़कियों देखो मेरे पास क्या है, इस बॉक्स में क्या है? डैडी ने मुझे गिफ्ट्स भेजे। वाह, मेरा पैकेज अभी रास्ते में है। मैं ही पंखा ले लूं, इसे हम अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तुम लोग कितने लकी हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पैकेज भेजते हैं और मुझे कुछ नहीं मिलता। मेरे पापा मेरे बारे में भूल
लेकिन उनके पास बहुत पैसा है। तुम हमारी अमीर लड़की हो। मानो मुझे उनके पैसे चाहिए। ठीक है, मुझे इसकी जरूरत है, लेकिन मुझे अटेंशन भी चाहिए। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ये मुकुट दूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है पापा कम से कम पैसा तो देंगे और मैं खुद एक मुकुट खरीदूंगी। अरे मैं प्रैक्टिस नहीं जाना चाहती, खासकर उस नए कोच के साथ। ये बैलरीना बहुत पकाव है। बिल्कुल, वो हमारे लड़कों के पीछे है, बेवकूफ। अरे नहीं, वो आ रहे हैं। और तुम लेटी क्यों हो? अरे गर्ल्स, मेरे पैर में दर्द है। तुम लोग जाओ प्रैक्टिस करने के लिए। अरे तुम क्या कर रहे हो? हमारी सच में इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस आने वाली है और तुम झूठ बोल रही हो। अब तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुम लायक हो। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। किटी तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। और तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। ऐसा लगता है जैसे हम एक जैसे हैं। चुप रहो तुम दोनों। आखिरकार कहाँ थे तुम? माफ कर देना, मैं सो गया था। तुम हमारे स्कूल के मैस्कॉट हो और हम कल परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ऐसा दोबारा हुआ ना, जल्दी सब एक साथ रिहर्सल करो। और 1, 2, 3, 4, 5, 6। रुको, बास्केटबॉल खिलाड़ी कहाँ गए? हाँ, प्रैक्टिस में एक घंटा हो गया और वो हमें दिखाई भी नहीं दिए। अरे नहीं, कुछ तो हुआ है शायद उन्हें। और अगर बैलरीना ने कुछ किया तो वे पछताएगी। लड़कियाँ मेरे पीछे आओ। अरे लड़कियों, मैं कैसी दिखती हूँ? हमेशा की तरह शानदार। अरे चमक चलो, हमें देर हो गई यार आने में। वो ठीक है, हम समझते हैं। ओ खाना। ओहो, प्रेडी कर रहा हूँ यार, जन्मों के मुंह के टेम को। तुम ऐसे कैसे खा सकते हो? तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? अरे ये क्या हो रहा है? वैसे तुम्हारा जैकब हमारी टीम में है। बढ़िया, हमें उसके जैसे लूजर्स की जरूरत नहीं है। पकड़ लिया। हेलो जानेवन, अभी तो हम लंच कर रहे हैं, खा रहे हैं। अरे अरे, मुझे खाना खत्म करने दो। और अब तुम बेवकूफ लोग, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? हमारे बास्केटबॉल खिलाड़ियों से दूर रहो, वो तुम्हारे नहीं है। तुम बहुत बोल्ड हो, यहाँ आ जाओ। लड़कियों, इन्हें बाहर निकालो। हम उनके साथ क्या करने वाले हैं? ये लड़कियाँ भयानक हैं। मैं उन सभी को टीम से बाहर निकाल दूंगी। मुझे जाने दो, मैं प्राइमा हूँ। और मैं कैप्टन हूँ। सुनो, तुम लोग एक बदतमीज लड़कियाँ हो। क्रिस्टी शांत हो जाओ। क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ? हाँ, कौवे को उड़ाने वाला आ गया। तुम अपना मुंह बंद करो, चलो अंदर आओ। ठीक है, मिस सिंडी और मैं ये चूज करेंगे कि मैच ब्रेक के दौरान कौन डांस करेगा, बैलेरिना या चीयरलीडर्स। तुम्हारा एक कंपटीशन होगा और मैस्कॉट किसी एक टीम का होगा, समझे? वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा है। अरे मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, ये मैस्कॉट हमारा है। हम चीयरलीडर्स हैं और हम बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लिए परफॉर्म करेंगे। क्या मुझे तुम्हारे कान फिर से खींचने पड़ेंगे? ठीक है ठीक है, कंपटीशन है, हम वैसे भी जीतेंगे। दिलचस्प, ये मैस्कॉट अपनी कॉस्ट्यूम क्यों नहीं उतारता है? मैंने इसे कभी नहीं देखा। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, बस इतना ही। अच्छा ठीक है। वहीं रुक जाओ, अपना चेहरा दिखाओ। तुम कौन हो? कौन हो तुम? मुझे अकेला छोड़ दो। मैं जानना चाहती हूँ मैस्कॉट की कॉस्ट्यूम में कौन है। वो हमारा एक स्टूडेंट है, अपना दिमाग मत खराब करो। जाओ अपने परफॉर्मेंस की तैयारी करो, अपना वजन कम करो, समझी? उससे पीछा छुड़ाने का शुक्रिया मिस क्रिस्टी। कोई बात नहीं। अरे केक, तुम बिल्कुल स्पोर्टी नहीं हो। मैं अब और नहीं कर सकता। मैंने कितने पुशअप्स पहले कर लिए हैं। हो गया।
बच्चे, तू पगला है क्या बिल्कुल? वैसे ये बता, तुम बैले में कैसे आए? वहाँ पुशअप्स करने की जरूरत नहीं है। हम तेरे संग क्या करेंगे यार, इस तरह तो हम पक्का मैच नहीं जीतेंगे। इतना भयानक, क्या हो रहा है? लगता है मेरा एक नाखून टूट गया। बेवकूफ है ये। तुम क्या जानो इसे? ओ, बैलरीना ने हमें प्रैक्टिस के लिए बुलाया है, देख रहे हो? अरे वाह, मुझे चीयर लीडर्स ने बुलाया है। तो चलो अलग हो जाते हैं और लड़कियों को चल के देखते हैं क्या कहता है। चल। अरे अरे, मैं भी आना चाहता हूँ। ये बास्केटबॉल खिलाड़ी कहाँ हैं? शायद उन्होंने अपना मन बदल लिया और नहीं आएंगे। चुप रहो तुम लोग, वो मेरे प्यार में पड़े हैं। तो देख लिया तुमने? टायलर तो आ नहीं पाया, मैं यहाँ रहूंगा। लड़कियों चलो प्रैक्टिस शुरू करें। अब उस लड़के से ध्यान हटाओ और प्रैक्टिस शुरू करो। हमारे रूटीन में ऐसा तो नहीं है। जैसा कहूँ वैसा करो। अरे ये भारी है। ये तो बहुत बढ़िया है। प्राइमा को घुमाओ। मैस्कॉट आ गया। वुहू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी एंट्री प्रोग्राम के आखिर में है, मैं तुम्हें बाहर कर दूंगी, समझ गए? और मेरे पापा तुम्हें देख लेंगे। मेरे को निकलना चाहिए, लगता है प्रैक्टिस खत्म हो गई है। रुको, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। मुझे तो मुट्ठी आई है बहुत तेज, बाद में मिले। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम एक अनलकी मैस्कॉट हो, मुझे तुम चीना शांत हो जाओ। चीना शांत हो जाओ। तुम चुप रहो, तुम कौन होती हो प्राइमा को चुप कराने वाली? और एक दो, फिर एक दो। इधर सुनो, मैं बाहर जा रही हूँ और तुम लोग अच्छे से वार्म अप करना, समझे ना? वो खड़ूस है, वो कैफे में डोनट्स खा रही है और हमें ज्ञान दे रही है। डोनट्स। अरे वाह लड़कियों, तुम्हारे पास सच में काफी लंबी टांगे हैं। तुम नहीं जानते कि हमारे पैर क्या कर सकते हैं। वाह, तुम कितनी फ्लेक्सिबल हो, मैं कोने में बैठकर इस प्रैक्टिस को देखकर एंजॉय करना चाहूँगा, ठीक है? ठीक है लड़कियों, पॉम पॉम हाथ में और शुरू करते हैं। और हम एक टीम है, हम टीम क्रेजी है, हम हमेशा जीतेंगे। टायलर सबसे हैंडसम है, सबसे कूल है। रुको, मकारी मत करो। अरे वाह, तुम सब कमाल के हो। एक मिनट, तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? वहाँ जाकर बॉल को फुलाओ। अच्छा है कि क्रिस है यहाँ और बुरा कि टायलर यहाँ नहीं है। हाँ, हम पक्का ब्रेक के दौरान चीयर लीडर्स की जगह लेने वाले हैं। ओहो, देखो स्कूल के कलंक आ गए। तो क्या हाल है पंद्रो, कैसा चल रहा है? देखो मैं भी कर सकती हूँ जो तुम करते हो। वो 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 वो। हम बंदर हैं और तुम हिप्पो हो और हम ये कंपटीशन जीतने वाले हैं। अगर तुम जीत भी गए तो तुम डांस नहीं कर पाओगे, काली आंखों के साथ वे तुम्हें परफॉर्म नहीं करने देंगे। टीना से दूर हो जाओ बेवकूफो। तुमने क्या कहा? यहाँ आओ। अरे ये लोग फिर से लड़ रहे हैं, कितना भयानक। ये लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। शांत, सबकी सब शांत हो जाओ तुरंत, स्पोर्ट्स स्कूल आज बंद है, सब लोग अपने घर जाओ। मैं इन लोगों से कैसे निपटूं? भयानक। ये क्या बकवास है, तुम ऐसे प्रोडक्ट $5 million में नहीं बेच सकते। हाय डैडी। हाय मेरी प्रेमा बैलेरीना। मुझे पैसे दीजिए। लेकिन मैंने आज सुबह ही तुम्हें पैसे दिए थे। वो सुबह थी पापा, अभी दोपहर हो चुकी है। अब मैं तुम्हें पैसे बिल्कुल नहीं देने वाला, तुम तो सिर्फ आती हो और सिर्फ पैसे के बारे में पूछती हो, ये भी तो पूछ सकती हो कि मैं कैसा हूँ।
डैडी माफ करना, आप कैसे हैं? मुझे कुछ पैसे दो ना। ये सब क्या है टीना? तुम्हारे ग्रेड मेरे ईमेल पर क्यों आ रहे हैं? और तुम्हें तो सब में एफ मिला है। कहाँ, नामुमकिन, ये कोई मिस्टेक है। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगा। वाह क्या बात है। पापा मुझसे प्यार नहीं करते, सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपको मेरी परवाह नहीं है। लड़कियों तुम यहाँ रुको, मैं घर जाकर आती हूँ। क्या हम तुम्हारे साथ आ सकते हैं? तुमने कहा था तुम्हारे मम्मी पापा अमीर हैं और घर शानदार है। हम उनसे मिल लेंगे। नहीं, दरअसल मेरी माँ आज बहुत गुस्सा है, फिर कभी मिलते हैं। अजीब है, इतना अच्छा घर और हमें बुलाया भी नहीं। खाना कहाँ है, मुझे भूख लगी है। हेलो माँ, ये क्या है खाना? माँ दो टुकड़े हैं, आप शेयर कर सकती हैं, मैं पूरा दिन भूखी रही हूँ। पम पम लेके इधर उधर घूमने की बजाय नौकरी ढूंढो। हाँ लेकिन माँ मुझे पैसों की जरूरत है, परफॉर्मेंस होने वाली है और मेरी पम पम कट गए हैं। कैसे पैसे, कैसे पैसे? मैंने अपने लिए ड्रेस लिया। माँ हम कब तक ऐसे गरीब ही रहेंगे? बात सुनो, मैं अपने लिए पति ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, तुम काम पर जाओ, समझ गई? सब क्लियर है, आपको मेरी परवाह नहीं है। बिल्कुल आवाज नहीं। तुम क्या कर रही हो? मैं पॉम्स पॉम्स चुराना चाहती हूँ, वे हमसे आगे नहीं निकल सकते। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रिहर्सल, क्या तुम्हें ये दिखता नहीं है? वो भी पॉम पॉम्स के साथ? क्यों नहीं, ये हमारा नया एक्ट है। बस तुम उसे क्यों समझा रही हो? साल का सबसे बड़ा लूजर यहाँ से चले जाओ, तुम बहुत पकाऊ हो। क्या किसी ने उसका चेहरा देखा है? वो बस कोई बेवकूफ है। खैर मुझे पता है इस पॉम पॉम का क्या करना है। वाओ बहुत अच्छे, कैसी इतनी तेज मिर्च को चीयरलीडिंग पॉम्स पॉम्स पर छिड़कने का आइडिया, बढ़िया। कितना शर्मनाक है, मेरी बेटी ये सब कर रही है। वो नहीं, तुम्हें भ्रम हुआ, चलो खत्म करो और यहाँ से निकलते हैं। नहीं तुम्हें भ्रम हुआ है, चलो खत्म करो और यहाँ से निकलते हैं। यहाँ कोई नहीं है। क्या हम वाकई ऐसा करने वाले हैं? कोई चॉइस नहीं, उन्हें परफॉर्म नहीं करने देना। उधर देखो, उनके नुकीले जूते तकिए पर होते हैं। छी, चलो इन खुरों को बिल्कुल बर्बाद कर दें। अरे लड़कियों जल्दी करो। टीना खोलो, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं पक्का बेले में वापस नहीं आऊंगा। अरे अब हम क्या करें? मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। किटी उससे जल्दी निपटो, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। कोई और क्वेश्चन? हेलो जैक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे समझ नहीं आता, क्या तुम बेलेरिना के कमरे से कुछ चुरा रही हो? अरे नहीं, वो क्या था? मुझे तुम पसंद हो, अब यहाँ से चले जाओ। क्या हुआ? नहीं, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने मुझे उससे निपटने के लिए कहा था, मैंने उसे निपट लिया, चलो उसके साथ चलते हैं। मैं इन बेवकूफों को बताऊंगी। उन्होंने हमारे नुकीले जूते फाड़ दिए, वो पछताएंगे। मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगी। आउच मेरे हाथ। ओ तुम्हारे हाथ
बातों को क्या हुआ? मधुमक्खियों ने डंक मारा। ओ, ये क्या है? हाँ, तुम नंगे पैर हो, लुट गई। हाँ, और हम ये जानते हैं कि ये किसने किया। फर्क नहीं पड़ता, हम नंगे पाँव भी तुमसे अच्छे हैं। नहीं, ओए देख देख, ये लड़कियाँ फिर से एक दूसरे पर चिल्ला रही हैं। ओह दोस्तों, यहाँ आओ, जल्दी बताओ इनमें से कौन अच्छा है। हाँ, हम एलीट क्लास की बैलरीना हैं और चीयर लीडर्स कूड़ेदान से। हमें कहाँ घंटा मालूम है। हमने ऐसी चीजों के बारे में सोचे नहीं। हाँ, जवाब हमें। हम तुमसे डरते हैं, तुम नॉर्मल थोड़ी हो चुकी हो। खैर, तुम लोगों ने मुझे नाराज किया है। लड़कियों, हमला करो। हाँ, अच्छा, मैं अभी इन कवारों को सबक सिखाती हूँ। क्या ये सच में मेरी बेटी है? कितना शर्मनाक है। 100 मिलियन, 9 मिलियन। पापा, बहुत बुरा है, कुछ हुआ है। आखिर अब क्या हो गया? असल में आपको स्कूल में बुला रहे हैं, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परफॉर्मेंस के लिए मुझे पैसे दो। तुम जो हरकतें करती हो उसके लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। लेकिन पापा, मैं स्कूल में सच में बहुत अच्छा बर्ताव करती हूँ। हाँ, मैंने देखा है। क्या? मेरा मतलब है कि कोच ने मुझे सब कुछ बता दिया है। कम से कम परफॉर्मेंस के लिए तो आ जाओ। नहीं टीना, तुम चली जाओ यहाँ से, मेरे पास काफी काम है। ओ पापा, आप बहुत महान हैं, आप बहुत काम करते हैं। मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला। मुझे पैसों की भी जरूरत नहीं। पता है क्या पापा, आप जरूर आना। ओह, मुझे एक करोड़पति कैसे मिलेगा? हाँ माँ, तुम्हें स्कूल बुला रहे हैं। मैंने बुरा बर्ताव किया। मुझे परवाह नहीं, मैं डेट पे जाने के लिए किसी को ढूंढ रही हूँ। यम, ये क्या, तुम पागल हो क्या? माँ, आप पागल हो। मैं आपको परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन आप। बहुत हुआ, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी चीयर लीडर्स की परवाह नहीं। अपने हाथों में इधर उधर थैलियां लेके घूमना बेकार है, बेकार। सबकी अच्छी माय है, बस मेरी भयानक है। अच्छा, क्या ये सही है? हाँ, तुम कहीं नहीं जाओगी और कोई परफॉर्मेंस नहीं, समझ गई? हाँ, अरे खोलो, बस ये नहीं, मुझे बाहर निकालो प्लीज। टाइलर, मदद करो। क्या हुआ? मेरी माँ ने मुझे अंदर बंद कर दिया, ऐसे तो मैं परफॉर्मेंस मिस कर दूंगी। अच्छा चलो, बाहर आओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। डर लग रहा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। शुक्रिया टाइलर, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अरे सुंदर लड़कियों की मदद करना मुझे खुशी देती है। ए, सुनो, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? अरे सुनो, हम कर सकते हैं, कोच इसे पसंद करेंगे और हम बास्केटबॉल खिलाड़ियों के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत अच्छे, तो चलो अब हम अपना परफॉर्मेंस शुरू करते हैं, और ये है हमारे दर्शक। हम अपने गर्ल्स में सपोर्ट के लिए तैयार है ना? क्या तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आना चाहते? मैं कुछ समझी नहीं, चल क्या रहा है? आज यहाँ पर स्पोर्ट्स स्कूल के स्टूडेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं। क्या हमें खाना देंगे? इसके बाद बुफे होगा। तो फिर मैं रुकूंगी। बिल्कुल सही, परफॉर्मेंस शुरू। छः, सात, आठ। अगर हमारी टीम हारी तो भी हम जीतेंगे। हम एक टीम है, हम एक क्रेजी है, हम हमेशा जीतेंगे। हम कमाल है, हमेशा जीतेंगे। कोई नहीं है टक्कर
कमाल है हमारी। वो मैं ही हूँ जिसने इन्हें ये सब सिखाया। और अब मेरा और एरिल का एक और डांस। वाओ शानदार। तो ठीक है शुरू करो। ठीक है अरे यार जोड़ी में डांस करने में बहुत अच्छी नहीं है। अगली मेरी बैलेरिना। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेवकूफ। तुम सब बर्बाद कर दोगे। तुम कैसे मैस्कॉट हो पापा। हाँ टीना ये तो सरप्राइज है। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। मैंने कॉस्ट्यूम जानबूझ के पहना। तुम पर नजर रखने के लिए तुम मेरे साथ चल रही हो। लगता है परफॉर्मेंस खत्म हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये आदमी कौन है। पैसे की खुशबू। तुम काफी क्यूट हो। लगता है लड़का करोड़पति है। यहाँ से चले जाओ। हमने बेहतर परफॉर्म किया। और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। बेकार। चलो लड़कियों उन्हें दिखाते हैं हमारा डांस कूल है। हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल नहीं। दबा कर दो। जल्दी से अलग करना होगा। ये लड़की हमें पक्का पगला गई है। हमें काय पेल नहीं हमारे। लड़कियों जाना दो हमें ऐसे दूर रहने की जरूरत। हाँ चल निकलते हैं। हम कोच को बताएंगे कि ऐसी पागल बैकअप डांसर की कोई जरूरत नहीं है। पापा प्लीज मुझे स्कूल से मत निकालो। तुम बहुत ही बुरा बर्ताव करती हो और दूसरों को परेशान करती रहती हो। तुम्हें तो सिर्फ पैसों की परवाह है। अच्छा सॉरी पापा शायद मैंने सच में कुछ गलत किया है। आप मैस्कॉट कॉस्ट्यूम में छिपे मेरे करीब रहना चाहते थे। हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ तुम्हारी चिंता भी करता हूँ। मैं पैसे दूंगा जितना भी तुम चाहो। वाकई बढ़िया। लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं। मैं तुम्हें अपनी एक नई गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता था क्योंकि तुम काफी जंगली हो रही हो ना तो वो तुम्हें ठिकाने पर लाएगी। हेलो हम आ गए हैं। मिलो इससे ये लिली है और ये उसकी बेटी एरियल। तुम दोनों एक दूसरे को पहले जानती हो। क्या माँ तो क्या ये आपका नया बॉयफ्रेंड है। हाँ आखिरकार मुझे एक आदमी मिल गया है। ओह यू क्या पागलपन है। टीना तुम ये फिर से कर रही हो तुम्हें शर्म नहीं आती। नेट चलो ना मुझे अपना नया घर दिखाओ ना। हाँ बिल्कुल मिल जाओ। मेरे पापा तुम्हारी माँ के साथ कभी नहीं रहेंगे। और मेरी बहन कभी चीयरलीडर नहीं बनेगी। और मेरी कभी बैलेरीना नहीं होगी। रुको शायद ही काफी है। हाँ और लगता है सच में रुकने का समय है। हम बस पागलों की तरह लड़ रहे हैं। तो शायद शांति वरना हम सब गड़बड़ कर देंगे। ठीक है मैं ऐसी बहन पाकर खुश नहीं हूँ बेशक लेकिन शायद पापा दयालु हो जाए और मुझे पैसे दे दें। मैं माफी मांग लूंगी। किटी हाय क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल मैं ट्रेनिंग में हूँ। मैं हमारे किस को नहीं भूल सकता। क्या हमें डेट पर जाना चाहिए। क्या तुम पागल हो मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो फिर तुमने मुझे चूमा क्यों था। मैंने तुम्हें चूमा ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अरे मैं समझा ही नहीं लड़कियाँ कितनी अजीब होती है। उम्मीद है कि वो आखिरकार पीछे हट जाएगा। Start,
डियर सब्सक्राइबर्स, आज हमारे पास एक वीडियो था बैलेरिना और चीयरलीडर्स, और अब हमारे पास बास्केटबॉल खिलाड़ी भी है। मैं हूँ ना, सबकी मदद करता हूँ। खरगोश मैस्कॉट भी बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत सारे लॉजिकल आइडिया के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आज एक ब्लॉग होगा। किसने फेंका है? असल में सभी डांसर्स बास्केटबॉल खिलाड़ियों के खिलाफ हैं और मैस्कॉट हम सब बॉल्स को घेरे में फेंक रहे होंगे। और जो भी स्कोर नहीं करेगा, रुको यहाँ। तो कौन शुरू करेगा? लड़कियाँ शायद पहले, लड़के ही करेंगे। हाँ। अच्छा तो ठीक है, चलो देखो बॉल को मैं यहाँ और वहाँ। हाँ वहाँ पे वहाँ ट्राई करो। ठीक है। तीना, 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 तीना। अरे रे 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 रे। कैसा है कि केवल एक लाइफ और एक अटेम्प है? जा सकती हूँ, है ना? जाओ। और ये गया। एवा, ये। मैंने कर दिया। चलो मैस्कॉट, हमारी बॉल, चलो 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 चलो। ये रही बॉल, तो चलो भी। अब किसकी बारी है? इसकी बारी है। ठीक है, आगे वहाँ से यहाँ से करो। हाँ हाँ, अब और ये गई। यहाँ से चले जाओ, बढ़िया। दूर हटो, टिकड़ी की तरह, बढ़िया, सावधान हो के। चलो चलो, आज मैस्कॉट का दिन बिल्कुल नहीं है। हाँ। आज मेरा दिन भी नहीं है, लेकिन देखते हैं। चलो कोई बड़ी बात नहीं, लगता है तुम ये कर सकते हो। लगता है ये सूरज की वजह से है। कैमरे पर स्कोर करेंगे, लेकिन हमारे पास अभी भी दूसरा राउंड होगा। यहाँ से जीना जीना टीना 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 पड़ रही है। अरे कोई बात नहीं, बुरा नहीं था टीना, बढ़िया। लगता है ये थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है, अगर इसे अपने हाथों से छूते हैं तो क्या होगा? अरे नहीं, कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं। एरियल एरियल, किसी पे भी नहीं हो रहा। अगला कौन है यार? ईवा, चलो चलो। ईवा ईवा, देखो मैं क्या कर सकती हूँ। वाओ, लगता है हम बेनेस को विदा कर सकते हैं। अरे मटकना बंद कर, बॉल दे। ये लो तुम्हारी बारे। चलो भी। किटी किटी कैट। अरे यार, ये लो। हाँ तुम्हारी बारी, अबे गोल तो कर ही दियो। मैं ही खेल को खत्म करूंगा। हाँ चलो देखते हैं। मैं तो चूक गया रे, हुर्रे। डियर सब्सक्राइबर्स, हम अभी लूजर हैं, आज के विनर्स हैं केवल ईवा और कैसी। और लूजर की तरह मैं समझता हूँ कि अब हम सजा भुगतेंगे, है ना? और सजा, एक दो तीन बू। तो दोस्तों हम चले गए। हाँ, ये हमारा दूसरा ब्लॉग है, हम अपनी सजा पर चले गए हैं। इन खूबसूरत ग्लासों को देखें, क्या लगता है कि वे वहाँ क्यों है? और वे वहाँ है क्योंकि हम क्रॉल करेंगे, इसलिए अब हम दरारों में रेंगने वाले हैं। इनमें से, इनमें से, इन ग्लासों के नीचे, ग्लासों पर से। चलो देखते हैं। तो ठीक है, हमारा काम जो है वो इस तरफ से हमारे पैरों को फैला करके वहाँ जाना है, समझे? हाँ। और जो भी अपने पैर फैलाएगा, मुझे लगता है टीना को शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी बहुत ही प्यारी बैलरीना है। वो बहुत स्ट्रेची है। हाँ। लड़की सही में। चले। कूदी तो ये आसान था, मान लेते हैं कि मैं पास हो गई हूँ। ये तुम्हारे लिए और भी मुश्किल होगा, क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट हो। मुझे लगा बेवकूफ है। टीना नियम क्यों तय करती है? क्योंकि चलो चलो बाजा, तेरी बारी। हाँ चल दिखा दे, चल दिखा अपना जलवा। फनी दोस्तों, ये तो बहुत मुश्किल है रे बाबा, ये नामुमकिन है यार। अबे इससे भी बड़ा बड़ा लिया तुमने। मेरी मदद मत करो यार। अबे मैंने पहले ही बोला था तू कर लेगा। नेट, अब तुम्हारी बारी है। चलो अब मैं तुम्हें दिखा। नहीं नेट, अब तुम्हारी बारी है। अच्छा तो ठीक है। नेट नेट,
पहले अपनी पतलून तो संभाल लूं। डरावना नहीं है यार, हमारे पास सुई और धागे हैं। अरे तुम्हें अपने घुटनों को अपने ऊपर रखना था। हाँ, तो दूर करके दिखा दे। लड़कियों के लिए करो ऐसे, लो चलते हैं। मेरी कमर। नेट और जैक ने फैलाया। वैसे मैं तो कर लेता से आराम से। वेल, तुम लंबे हो, पैर लंबे हैं। मुझे डर लग रहा है। चलो भी। गिलास लेकिन सुंदर था। हाँ, काफी बढ़िया। तो सुंदर लगेगा। चलो किटी, चलो। हाँ किटी, तुम कर सकती हो। ठीक है, ठीक है। चलो करते हैं। चलो चलो, फिर से कोशिश करो। ये बहुत आसान था। मुश्किल पड़ने वाला है। ओ, ये कठिन होगा। यार ऐसे पोज़ ना मुझे काफी पसंद आते हैं। क्या नज़ारा होता है। हो गया, हो गया। लगता किसी से कौन पास करेगा? किटी तू करेगी क्या? ओ चलो चलते हैं। और ये, अबे ये तो टांगों से भी लंबा हो गया। मुमकिन है वो, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुमकिन है। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा लंबा है। बस आराम से शुरू करना। हाँ बस, हाँ अरे हो जाएगा। हाँ कर सकती हो। मैं क्या कह सकता हूँ, हम अपने ब्लॉग में हैं। हाँ तो दोस्तों, उसके बाप का राज चलेगा। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लॉग है वो हमारे इस खेल के साथ खत्म हुआ। और खुद को सजा देना और इसके बारे में कमेंट्स लिखना कि आप लोग क्या सोचते हैं, आप कैसे सोचते हैं कि किसने इस एक्ट को बेहतर किया। और तीन की गिनती पर 1 2 3। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो, और हम प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, प्लीज। अच्छा तो टीना, सरप्राइज मिला ना तू तो क्या? भले ही तुम जीत जाओ। तुम डांस नहीं कर पाओगी, सारी आंखों के साथ वो तुम्हें परफॉर्म नहीं करने देंगे। दोबारा मैं बस हारी है यार। क्रिस के बस आज 5 शॉट्स ही खराब हो गए। क्या हाल है दोस्तों? ब्लूपर्स के लिए, चलो ब्लूपर्स के लिए वीडियो बना रहे हैं। फिर से क्रिस के साथ ब्लूपर्स है। ये लोग हैं और मेरी टीम है, ये रियल गैन बॉयज हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? मेरी तरह बनने के लिए आप सभी को ये सब। हाँ बहुत बढ़िया है जो भी है। अरे गाइस क्या हाल है, अब चुप रहो, कुछ दिखाता हूँ। सिंडी, ये मैं हूँ क्रिस।